24 घंटे में कोरोना के 1,34,000 नए केस। 350 से अधिक निजी अंतरिक्ष कंपनियों के साथ भारत विश्व में पांचवें स्थान पर। बच्चों को सरकारी राशन नहीं मिलने पर नाराज हुए रघुनाथ ने लौटाया राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने की मुकुल राय की पत्नी से अस्पताल में मुलाकात। लॉकडाउन खुलते ही बड़ा संक्रमण, 22वीं मौत 24 घंटे में दोगुने बड़े कोरोना के मरीज। सीएम योगी के निर्देश के बाद गाइडलाइन जारी, यूपी के सभी अस्पतालों में 4 जून से शुरू होगी ओपीडी। भारत की राजधानी दिल्ली में रोज 87 मौतें कागजों से लापता, निगम और सरकार आमने सामने। पीएम मोदी ने कहा किसी भी ऐसी बोर्ड 12वीं की परीक्षा रद्द करना सही और छात्र हितैषी फैसला दें। हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना काल में सभी लोगों तक सस्ती दवा पहुंचाने के तरीके ढूंढने होंगे। एम्स पटना में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।